डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू आवर चैनल एन अन एकेडमी टीचिंग एंड नोट्स। मैं आज फिर हाजिर हूँ आपको लाइट का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाने के लिए। रिफ्लेक्शन हमने ख़त्म कर दिया था, स्फेरिकल मिरर्स ख़त्म कर दिए थे, तो आज हम पढ़ाएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो हम नोट्स देते हैं ये बड़ी वैल्यूबल चीज़ है। नोट्स हम देते जा रहे हैं, उनको डाउनलोड करा लेना। बार बार वीडियो सुनने के बाद जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा, और इससे 100% मार्क्स की गारंटी है, इसलिए ध्यान रहे। नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हम जानते हैं लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। अगर ये देयर नथिंग, दूसरा मीडियम नहीं है, तो ये लाइट रे है, ए ओ शुड हैव गॉन टू ए ओ ई। लेकिन हम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लेते हैं, रेक्टेंगुलर शेप की होती है ग्लास स्लैब, ये बीच में रख दिया तो ये स्ट्रेट नहीं जाती, ये डायरेक्शन अपनी चेंज कर देती है। ए ओ ई नहीं जाती, ए इस मीडियम में ग्लास स्लैब में ओ बी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो यही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। हियर बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ये ग्लास है, एयर है, तो ये दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। या कह दीजिए, व्हेन द लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। यहाँ ग्लास स्लैब रख दिया ए ओ, यहाँ ये ग्लास स्लैब है, एम एन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ओ है, ये नॉर्मल है, तो ए ओ इंसिडेंट रहे हैं यहाँ। ये रे ऑफ लाइट हैज बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की झुक गई। ओ बी ये रिफ्रेक्टेड रे है, और ग्लास स्लैब से जब ये बाहर निकली तो बी उसने रास्ता चेंज कर दिया। बी सी एमरजेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, एंगल ए ओ एम, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये यहां पर आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये इसे और यहां एमर्ज कर रही है, ये एंगल ई एमर्जेंट, एंगल ऑफ एमर्जेंट, एंगल ई दैट इज एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी इमर्जेंट एंगल, ये रिफ्लेक्शन। एक बार रिकॉल कर देते हैं, रे ऑफ लाइट देर इज नो अनदर मीडियम विल गो इन स्ट्रेट लाइन ए ओ ई व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम, ग्लास स्लैब रख दिया,
वन मीडियम टू अनदर एयर टू ग्लास देन इट बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल दिस बेंडिंग इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद यहाँ से ये ग्लास स्लैब से बाहर निकल जाती है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एओ इज इंसिडेंट रे, ओ बी इज रिफ्रैक्टेड रे एंड बी सी इज एमरजेंट रे। इस तरह एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बता दिया, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। ये इसे को ये जो है रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन क्यों होता है? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट जाती है तो उसमें उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, इस वजह से बेंडिंग ऑफ लाइट रे हो जाती है। इसके कारण है कि ये स्पीड इन एयर इज एंड स्पीड इन ग्लास आर नॉट इक्वल, इसकी स्पीड डिफरेंट है, इस वजह से रिफ्रैक्शन होता है। अब रिफ्रैक्शन कैसे होता है कि ये दो तरह के मीडियम हमने बांटे हैं, रेयर मीडियम एंड डेंस मीडियम, एयर और ग्लास। एयर ग्लास में कौन सा डेंस है कौन सा रेयर है, रेयर मीन्स हल्का, डेंस मीन्स हैवी। तो इसमें एयर हल्की है, ग्लास डेंस है। रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है, डेंसर मीडियम में जाती है, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये रूल है। अगर ग्लास से इधर फिर एयर में गई, डेंस से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में गई, तो इट बेंड्स अभी उससे दूर हट जाती, बेंड्स अभी फ्रॉम द नॉर्मल। दो हैं, पहला व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। अब ये ग्लास है डेंसर मीडियम है रेयर मीडियम है, व्हेन रे ऑफ लाइट गोज डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये इसके दो रूल हैं, रेयर टू डेंसर बैंड्स टूवर्ड्स मीडियम टूवर्ड्स नॉर्मल, दूसरा फ्रॉम डेंसर मीडियम रेयर मीडियम बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, क्लियर है ना? एक रूल ये होगा, डेंसर ग्लास डेंसर है, फिर यहां एयर आ गई, इट इज बेंड्स अवे डिफ्लेक्टेड अवे, दूसरी से दूर भागती है नॉर्मल से। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्लियर है किस रूल के अकॉर्डिंग ये अपना पाथ वो करती है, चेंज करती है। रेयर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, व्हेन रे ऑफ लाइट गोज डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, पहला लॉज है जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं उसी तरह दिस इंसिडेंट रे रिफ्रेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन सेम प्लेन,
इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन द सेम प्लेन. तो इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ लाइज इन सेम प्लेन सेम प्लेन. दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आई इनका रेशियो इज कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू म्यू. साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनका रेशियो कॉन्स्टेंट होता है. इसे कॉन्स्टेंट को म्यू लिख दिया है, इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. और इसमें ये साइन आई अपॉन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन इन सेकेंड मीडियम. ये एक बार और रिकॉल कर देते हहैं. पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन वन प्लेन द सेम प्लेन. सेकेंड साइन आई अपॉन साइन आर साइन ऑफ एंगल of incidence and upon sine of angle of refraction इनका ratio constant होता है. लिखते हैं इसे refractive index of the medium कहते हैं. इस constant को refractive index of medium second medium का होगा medium second. और ये होगा speed of light in फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम. क्योंकि ये रिफ्रैक्शन की कॉज ही इस वजह कारण ही ये है, वजह ही ये है कि स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है, इसलिए ये अपना पाथ चेंज कर लेती है रेज ऑफ लाइट. इसी वजह से रिफ्रैक्शन एग्जिस्ट करता है. स्टूडेंट्स हमने रिफ्लेक्शन के केस में देखा था एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर रिफ्लेक्शन में होता है और एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर इन रिफ्रैक्शन में होता है. रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में ये अंतर है. एंगल आई जो एंगल आर में रिफ्लेक्शन होता है, एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर रिफ्रैक्शन में ये एंगल इक्वल नहीं होते. इसके इफेक्ट क्या हैं? सपोज किसी टब में वाटर है, आप उसमें स्टिक रख देते हैं तो इट अपीयर्स बेंड. उसे देखते हैं आप ऊपर से कैसे लगे, ये इसका कुछ झुकी हुई है. इस वजह से ही ये रे ऑफ लाइट बेंड
नजर आती है, स्टिक रखी हुई, जैसे रे ऑफ लाइट बाइंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल। दूसरा क्या है, अगर एट द बॉटम ऑफ द वाटर देयर इज ए कॉइन, उस सिक्का रखा हुआ, तो वो ऐसे रखा होगा जिसे बहुत ऊपर है, और बेंडिंग से रिफ्रैक्शन की वजह से स्टार्स ट्विंकल करते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि एयर की परतें होती हैं जो लाइटर हैवियर, बिकॉज टेम्परेचर चेंज की वजह से एयर लेयर्स में बट जाता है, और एयर इज मूविंग, तो वो जो है स्टार हमको ट्विंकल करता दिखाई देता है। वाटर की डेप्थ जो एक्चुअल डेप्थ है, उसमें वाटर है तो हमें कम महसूस होगी, इट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। और भी कई कारण हैं, आप पढ़ लीजिएगा। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सपोज रे ऑफ लाइट जा रही है वाटर से ग्लास में, तो डब्ल्यू म्यू जी, W फॉर वाटर, G फॉर ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, तो ये होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर VW अपॉन VG, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इससे पहले W है वाटर, बाद में जी है ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, रिलेटिव इंडेक्स है। इंडेक्स होता है एक्चुअली एयर से लेते हैं, ये नॉर्मल इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये रिलेटिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास मीडियम से वाटर में, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इंडेक्स ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिवनेस आपको समझा दोबारा और बता देते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, जिसके रेस्पेक्ट में उससे पहले लेते हैं, W म्यू जी, ग्लास का रेस्पेक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू वाटर इज VW, वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। और जो विद A म्यू जी, ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू ईयर, ये विद रेस्पेक्ट टू ईयर जितने भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्ट। आगे रिफ्रैक्शन बचा है लेंसेज में, वो हम शुरुआत करेंगे। एक बार और इसको बता देते हैं, AMUG एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू ईयर होगा, वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसमें विद रेस्पेक्ट टू ईयर नहीं होगा, किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में होगा। ये वाटर मीडियम के रेस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है W म्यू जी इज इक्वल टू VW अपॉन VG, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड लाइट इन ग्लास। ये स्टूडेंट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये ग्लास ये ख़त्म होता है, फिनिश होता है। अंत में आप लोगों से कहूँगा, मेरे लेक्चर सुनते रहिए, फिर समझ में आएगा, उसके बाद नोट्स टेक डाउन कर लीजिए, नोट्स में पढ़िए, उन्हें रख लीजिए, एग्ज़ाम तक काम आएंगे, और आपका बहुत ही आपको बेनिफिट होगा उसका, अच्छे मार्क्स लाने में। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर दिया उनको मैं थैंक यू बोलता हूँ, हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और ठीक हमारा प्रोग्रेस हो रही है, और जिन्होंने नहीं किया वो भी चैनल सब्सक्राइब कर दिए, जिससे कि
आपको नए वीडियो अच्छे अच्छे देते रहेंगे हम। और शेयर करिए, कमेंट लिखिए, और कोई आपको, एक्चुअली हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, सिलेबस में जो है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, सारा करते हैं सिलेबस में, जिसके क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करते हैं शेयर में, उसमें सिलेबस में हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ये 10th क्लास में है, हम 10th 11th 12th की इंग्लिश की वीडियो भी दे रहे हैं, एक दिन छोड़ के हम दे रहे हैं, सोच रहे हैं डेली एक वीडियो देते रहें। आप रेगुलर हमारे वीडियो सुनते रहिए, दो तीन बार ही सुनिए, नोट्स टेक डाउन कर लिए, हम नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, ऐसे नोट्स कोई नहीं देता है आपके भलाई के लिए, आप उसका फ़ायदा उठाएं। ओके, थैंक यू।